ऐसे ही तो फैल रहा कोरोना संक्रमण, सब्जी मंडी में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। कोरोना की जंग जीतना है तो सामूहिक प्रयास करना होगा और एकजुटता के साथ नियमों का पालन करना होगा। विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित बलराम गोंड सब्जी मंडी में रविवार को भीड़ का नजारा देखने के बाद उससे तो साफ पता लगता है कि लोगों को ना तो कोरोना का भय है ना ही सरकार के आदेशों का। लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे तो मास्क तो ना मात्र ही लगाया था। यह अलग बात है कि मीडिया को देखने के बाद कुछ लोग मास्क पहनते नजर आए, किसी ने अपना मुंह गमछे से ढकते हुए देखा गया। एक बाइक सवार ने फोटो खींचते देखा तो कुछ नहीं मिला तो उसने अपने हाथ से नाक को कवर करके वहां से अपने आप को बताया कि यही मेरा मास्क है और अब ये बात साफ हो चुकी है। इस ओर ना तो पुलिस प्रशासन का ध्यान जाता है न ही नगर निगम का, लेकिन इस दौरान लोग रोजाना सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने मंडी का जायजा लिया तो वहां के हालात आम दिनों के समान ही नजर आए। लोग ना तो मास्क लगाए नजर आए ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के तैयार थे। सैनिटाइजर की यहां पर बात करना तो बेमानी होगी। मीडिया को देखकर जरूर कुछ लोगों ने मास्क लगाए और वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उन्हें और उनके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है, जबकि प्रशासन लगातार गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ मंडी अधिकारी भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। अगर ये व्यापारी लोग और किसानों और सब्जी खरीदने वाले को समझाइश देंगे तो कुछ हद तक ये हालात बदल सकते हैं। एक युवक से बात की तो उसने कहा, गांव में कोई बीमारी नहीं है, कोरोना बड़े शहरों और बड़े लोगों की बीमारी है। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारा कोरोना क्या बिगाड़ेगा।